साथियों, बहुत से वीरों ने अपने बलिदान से असम को मजबूत किया है। इनकी प्रेरणा से बीते 5 वर्षों में घुसपैठियों और आतंकियों पर जिस तरह का नियंत्रण लगाया गया है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? जरा पूरी ताकत से बताइए, ऐसा हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ है? अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये कैसे संभव हो रहा है? दुश्मन के घर में घुस करके मारने की ताकत कहां से आई? कहां से आई? ये ताकत आपके आशीर्वाद की ताकत है, आपके साथ की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। लेकिन महामिलावट करने वालों के अतीत और वर्तमान को देखें, इतना तय है कि अगर ये लोग होने वाले नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी थोड़ी सी भी अगर मजबूती आई तो आप मेरे शब्द लिख लेना, ये ऐसे लोग हैं, ये फिर से असम को उस पुरानी मुसीबतों में झोंक देंगे। मैं बताता हूं आप, यहां बैठे बुजुर्ग लोग याद करें, युवा साथियों से मेरा आग्रह है, जरा अपने बुजुर्गों से पता करें कि कांग्रेस ने कैसे असम को हर बार ठगा है, हर बार धोखा दिया है, हर बार असम के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। वो इतने किस्से सुनाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। क्या ये सच नहीं है कि अगर सरदार पटेल ना होते, अगर श्रद्धेय गोपीनाथ बरदलोई ने ना होते, तो असम की वो पहचान नहीं होती जो आज है? इनकी नीति तो ऐसी रही कि तेजपुर सहित देश का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे वीर सैनिकों और यहां के वीर लोगों के हौसले के दम पर ही बच पाया। 70 के दशक में घुसपैठ को रोकने के लिए तब की सरकार ने जिस तरह का काम किया, उसका परिणाम तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट आज भी भुगत रहा है। आज जब कांग्रेस की इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए आपका ये चौकीदार प्रयास कर रहा है, तब कांग्रेस के लोगों को और इनके साथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है।